टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आइए मिलकर के एक नया कीर्तिमान लिखें, एक नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने स्वप्न को साकार करें। शिक्षक बनने की जो राह पर हम लोग चल रहे हैं वह कितने दिनों से बहुत सारे लोग ऐसे अरमान पाले होंगे कि हम शिक्षक बने, तो उसी की श्रेणी में हम लोग आपके साथ यानी टारगेट विद आलोक का जो ये इंस्टीट्यूट है यह आपके साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। आज हम लोग जो बात करेंगे, एक जो चरण होता है वह टेट का चरण होता है प्राथमिक स्तर पर आपको शिक्षक बनने के लिए। टेट का चरण होता है जिससे क्वालिफाइंग किया जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके माध्यम से हम लोग शिक्षक बनने की राह पर चलते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्वालिफाई करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, इसमें नो डाउट है। यानी यह तो सिद्ध है कि आपके अंदर वह योग्यता है जो शिक्षक बनने के लिए चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका एक चरण और होता है, क्योंकि शिक्षक बनना यूं ही आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो होता है यह मार्गदर्शक होता है। इसलिए इसको तमाम परीक्षाओं से गुजारा जाता है। उसी में से जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है वह एस्टेट की होती है, यानी सुपर टेट की होती है। तो हम टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं सुपर टेट में आ गए हैं। यानी सुपर टेट अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम क्या बनते हैं? शिक्षक बनते हैं। हम शिक्षक बन करके, शिक्षक का दर्जा आप लोग जानते हैं, यानी यह गुरु भी होते हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव बलिहारी, गुरु आपने गोविंदियो बताए। आप सुनते हुए चले आ रहे हैं और वास्तव में ऐसा ही है। हम यहां शिक्षक बनकर के सबको शिक्षित करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नई राह पर लेकर के चलने का कार्य करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य पर चलने की प्रेरणा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह आप में है, यानी शिक्षक में है, गुरु में है, आचार में है, इनमें है। तो हम इस सुपर टेट पर बात करेंगे और मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक जो महत्वपूर्ण आपका विंग है वह हिंदी का है। यानी हिंदी में हम आपके साथ रहेंगे, यानी आपका और मेरा सबका होगा हिंदी के साथ। हम लोग इसमें बात करेंगे, अच्छे से बात किया जाएगा, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, यहां जो आप प्रक्रिया करके आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया यहां पर होगी, यानी थोड़ा सा स्तर इसका ऊंचा होगा। नहीं तो एक ही स्तर रखना रहता तो सब कुछ वैसे हो जाता, कोई मतलब नहीं रहता। तो यहां पर यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, समाज में भेजने की दूरी, ये जो बीच की कड़ी है, ये बीच की कड़ी आवश्यक होती है कि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। हम सुपर टेट में हिंदी वही रहेगी लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके अलग हो जाएंगे। उन तरीकों पर भी हम बीच बीच में बात करेंगे, हमारी वार्तालाप होती रहेगी और आपको हम बताते रहेंगे, सही दिशा पर लेकर चलते रहेंगे। लेकिन आज
मैं ये चाह रहा हूं कि आपको मोटिवेशनल के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक पर भी हम बात करें। तो आज हम एक टॉपिक लें तो थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करें, हालांकि ये माना जाता है कि थोड़ा ये कठिन टॉपिक है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये आपके द्वारा अगर बताया जाता है तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि यह कितना कठिन रहता है। हम इसको सरल भी बनाते हैं, सुगम भी बनाते हैं, आसान भी बनाते हैं, ताकि आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। तो आज के टॉपिक पर हम बात करें और वह टॉपिक का नाम होता है संधि होता है, यानी उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर संधि आया है हमारे मानस पटल पर, शब्द ये आया, तो हमको यहां से कुछ बातें देखनी चाहिए। पहली बात हमको क्या करना चाहिए कि यहां से इस शब्द पर बात करनी चाहिए कि यह संधि जो है यह किन शब्दों से मिलकर बना है। पहला बात, किन शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम दूसरे शब्दावली पर बात करें तो हमको आना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर हम तीसरे शब्दावली पर बात करें संधि के संदर्भ में, तो पारिभाषिक अर्थ क्या होता है, पारिभाषिक अर्थ क्या होता है, ये आना चाहिए। इसके बाद हम तमाम प्रकारों पर बात करेंगे और एक एक करके हम देखेंगे, वो एक अलग बिंदु है। हम लेते हैं पहले पॉइंट को, अगर हम लें कि संधि किन शब्दों से मिलकर के बना है और संधि में कौन सी संधि है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए संधि में कौन सी संधि है इस शब्द में, यानी संधि शब्द में कौन सी संधि है। आप देखिए, संधि दो शब्द से मिलकर बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे कि संधि जो है यह दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द होता है शम और एक शब्द होता है धी। शम और धी शब्द से मिलकर के बना हुआ यह शब्द होता है, जिसमें सम का अर्थ होता है सम्यक, सम का अर्थ सम्यक या संपूर्ण होता है। धी का अर्थ होता है जोड़ना, हालांकि अलग अलग रूप है, धी मिलन भी होता है, धी जोड़ना भी होता है। तो लेकिन अगर हम सम्यक रूप में बात करें, संपूर्ण रूप में बात करें, समधन धी यह संधि जो शब्द है, इससे कौन सा शब्द बनेगा, यह बनेगा संधि बनेगा। और यह कौन सी संधि होगी, संधि में कौन सी संधि अगर होगी, अगर ये अगर जानना है तो आपको व्यंजन संधि होगी।
व्यंजन संधि होगी। तो संधि में व्यंजन संधि होगी, मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे यह परिवर्तित हो रहा है। और यह समधनधि से बना हुआ शब्द होता है। अब इस समधनधि से यह संधि बना, तो इस संधि का यह शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह तो क्लियर कि किन शब्दों से मिलकर बना, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो इस संधि ये जो बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो संधि के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि के, संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का आप अपने जीवन में जानते हैं, संधि करते हैं आप, ग्रामीण परिवेश से, शहरी परिवेश से, दोनों के परिवेश से आप वाकिफ हैं। यहां पर आप घर में प्रायः सुने होंगे कि हमारे इनसे संधि हो गई, यानी हमारी मित्रता हो गई। तो संधि मतलब क्या होगा? संधि हो गई, संधि मतलब मित्रता हो गई। आप कहते हैं मैंने, चलो ये संधि कर लिया जाए, यानी संधि मतलब क्या हो गया? जोड़ हो गया, ये भी कहते हैं। संधि मतलब क्या हो गया? योग हो गया। और संधि मतलब क्या हो गया? समझौता भी हो गया। शाब्दिक अर्थ की बात हम करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मित्रता जोड़ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं या समझौता कर रहे हैं, किसका? संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ के रूप में हम जान रहे हैं। अब यह समझौता या योग या मित्रता कैसे हम कर रहे हैं, आम जन जीवन में कैसे हमारा इस पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, कैसे हम समझौता कर रहे हैं, कैसे हम मिलन कर रहे हैं, कैसे हम मित्रता कर रहे हैं? मित्रता के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? जोड़ के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? योग के लिए क्या शर्त होना चाहिए? होना क्या चाहिए, यह जानना आवश्यक होता है। आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं जान सकते। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगर सामान्य जीवन की बात करें, आप किसी से संधि किए होंगे, मित्रता को तो किए होंगे, तो मित्रता यूं ही तो हो नहीं गई होगी कि चलो हम अपने अकड़ में रहते हैं, तुम अकड़ अपने अकड़ में रहो, मित्रता हो जाएगी। मित्रता में क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। और यह झुकाव जो होता है वह दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अगर ये है, एक तरफ ये है और एक तरफ कोई यह है, और दोनों में अगर मित्रता हो रही है, अगर है दोनों में मित्रता हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के हम समझौता कर रहे हैं, झुक रहे हैं। यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं है। तो यहां पर संधि में हम जब, जैसे आप गांव में या शहर में बंटवारा आप लोग होता है, आप लोग देखे भी होंगे, तो बंटवारे में यूं ही नहीं है कि आप जो चाहिए वैसे आप कर लीजिए, ये मेरा ये आपका। बंटवारे में भी आपको कहीं ना कहीं सहना पड़ता है, तभी वह बंटवारा हो सकता है सही तरीके से। नहीं तो आप कहिए कि मैं गाड़ी लूंगा, वह कहेगा मैं गाड़ी लूंगा, तो कैसे हो जाएगा? गाड़ी का आधा पार्ट तो किया नहीं जाएगा कि आधी तुम ले लो आधी ये ले लें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ सामंजस्य। आप गाड़ी लिए तो हम जमीन ले लिए, हम घर ले लिए, आप कुछ अन्य ले लिए तो हम कुछ अन्य ले लिए। यहां पर हम इस संधि में समझौता कर रहे हैं तो क्या? झुक रहे हैं, नम्य हो रहे हैं, तो हमारा समझौता सफल हो जा रहा है। यही काम, सेम यही काम हमारे शब्द भी कर रहे हैं। कौन करता है? शब्द करते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे हमारे शब्द भी करते हैं। शब्द भी क्या करते हैं? समझौता करते हैं।
समझौता कर रहे हैं। एक शब्द अगर इधर है, एक शब्द अगर इधर है, तो यह दोनों मिलकर के क्या करेंगे, समझौता करेंगे, आपस में समझौता करेंगे। तो समझौता में कुछ इनको झुकना पड़ेगा, किस इनको झुकना पड़ेगा, कुछ इनको त्यागना पड़ेगा, कुछ इनको त्यागना पड़ेगा, कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम समझौता कर पाएंगे, तब जाकर के हमारी संधि हो पाएगी। तो चूंकि यह है शब्द का मिलन हो रहा है, तो व्याकरणों ने कहा कि जब शब्दों का मिलन होगा तो उसे हम संधि कहेंगे, तो उसे हम मित्रता नहीं कहेंगे, उसे हम जोड़ नहीं कहेंगे, उसे हम योग नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम नाम देंगे, संधि नाम देंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई शब्द है, अगर एक शब्द है अन्न शब्द है, अन्न शब्द है, ठीक है, चलिए एक शब्द क्या हो गया, अन्न हो गया, अन्न। दूसरा यहां एक शब्द है, एक शब्द अन्न हुआ, एक शब्द क्या हुआ, अभाव शब्द हुआ, अभाव शब्द हुआ। इन दोनों शब्दों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर के एक हो जाएं, दोनों मिलकर के एकाकार हो जाएं, यानी एक शब्द का निर्माण करें। तो इन्होंने किया क्या, अब एक शब्द के निर्माण के लिए बात सोचा, तो यहां धन का निशान आ गया, जो हम करते हैं संधि में। अब यहां अन्न ने कहा और अभाव ने कहा, अन्न ने कहा अगर तुमको मुझसे जुड़ना है और चाहते हो तुम जुड़ना, तो मैं अपना अंतिम वर्ण तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, यही आपको समझना है, क्योंकि ये अगर समझ में आ जाएगा तो बातें आपको लॉन्ग टर्म में आसान हो जाएंगी, नहीं तो ये दिक्कत करती हैं। सिलेबस और टॉपिक जो होते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक होते हैं, तो उसको भी समझते हुए चला जाएगा। अगर हम अन्न की बात करें, तो नौ की अगर हम बात करें, तो नौ का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, नौ धन ओ से हुआ है, किससे हुआ है, नौ धन ओ से, यानी प्रत्येक व्यंजन में स्वर जो है लगे हुए रहते हैं, व्यंजन जो होता है बिना स्वरों के नहीं उसका निर्माण होता है। अगर किसी व्यंजन में स्वर नहीं है तो समझिएगा कि वह व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगा, आधा अर्थ ही देगा, पूरा अर्थ नहीं देगा। इसलिए प्रत्येक कोई भी व्यंजन आप लिखेंगे तो उसमें स्वर लगा होगा, और जैसा व्यंजन रहेगा, अगर नौ लिखा है तो नौ धन ओ होगा, अगर मान लीजिए ना है तो इसमें नौ धन आ होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए यह नी है तो नौ धन बड़ी ई हो जाएगा, अगर ने है तो नौ धन ए हो जाएगा, यानी जैसी मात्रा है वैसा ही हम स्वर इसमें लगाते हैं, या जैसा स्वर है वैसी हम मात्रा लगाते हैं। तो यहां पर हम बात किस पर कर रहे हैं, नौ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर यह नौ धन और मिलकर के नौ का निर्माण करता है। तो इस अगर हम यहां नौ कहते हैं, इसका अंतिम वर्ण कहते हैं, तो इसका मतलब यह है ओ है, अंतिम वर्ण क्या है इसमें, ओ लगा हुआ है। तो इसने कहा अपना हम अंतिम वर्ण तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। तो यानी यह अगर अब इसको आप लिखेंगे तो ओ आधा नौ, इस नौ में से ओ निकल जाएगा तो ये भी आधा नौ ही होगा। अब या तो इसको लिखने का जो तरीका है ऐसे भी लिख लीजिए, यानी ऐसे भी लिख लीजिए, या आधा नौ भी लिख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा लिख लीजिए,
यहां पे आधा चलिए ऐसे ही लिख दीजिए, इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है। तो जब और बच क्या गया, यहां से बचा क्या है, त्यागा क्या है, और त्यागा है और छोड़ा है, ठीक। चलिए तो इसने अभाव ने कहा कि अगर आप मेरे लिए अपना अंतिम वर्ण छोड़ सकते हैं तो मैं भी आपके लिए अपना पहला वर्ण छोड़ सकता हूं, अपना पहला वर्ण त्याग कर देता हूं। तो इसने कहा क्या कहा कि मैं भी अपना पहला वर्ण आपके लिए त्याग कर देता हूं, यानी यहां पर भी क्या आ गया, ओ आ गया। बचा क्या, अब ओ निकल जाएगा तो भाव बच जाएगा, और अगर निकल गया तो क्या बचेगा, यहां पर भाव बच जाएगा, यही तो बचेगा। और यहां चलाया, इसका ओ यहां चलाया। अब यहां पर ये देखिए, अब यह ओ और ओ मिलकर के क्या बनता है, इतना तो पता होगा, सुपर टेट क्वालिफाई है तो इतना पता है, ओ और ओ मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है, आ बनेगा। इसको हम हटा देते हैं, तो अब चूंकि आ का निर्माण हो गया हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए, ओ आधा नौ, ये आधा नौ है, फिर ये आधा नौ है, इस आधा नौ में यह आ जुड़ जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी नौ धन आ अगर जुड़ता है तो क्या बनेगा, ना बनेगा, ठीक है। तो यह इसमें जुड़ेगा तो ना हो जाएगा, इस भाव को उतार दीजिए और यह हो जाएगा अन्ना भाव हो जाएगा, शब्द क्या बना, अन्ना भाव बन गया, यानी यह शब्द बना। तो यहां पर आपको, यहां पर एक शब्द अन्न था, यहां पर एक शब्द अभाव था, ये दो अलग अलग स्वतंत्र शब्द थे जो अपने अर्थ रखते थे, संधि के दोनों पक्षों में अपना अपना स्वतंत्र अर्थ रखा जाता है। तो दोनों ने विचार बनाया और एक शब्द का निर्माण किया, तो ये क्या बन गया, हम अन्न अभाव न लिख करके केवल क्या लिख दें, अन्नाभाव लिख दें, तभी भी हमारा काम, एक नया शब्द मिल जाएगा और यह शब्द कम भी होगा और गंभीर यह शब्द होगा, तो अन्नाभाव हो गया, एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो पहली चीज, संधि जो होती है वह शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, नए नए शब्द बनाने की क्षमता किसमें होती है, संधि में होती है। विद्वानों ने, हिंदी व्याकरणों ने कहा, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, यानी नए नए शब्द बनाने के लिए संधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर संधि का ज्ञान नहीं है तो आप नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो गलत भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है। तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में किसका योगदान होता है, संधि का योगदान होता है। अब ये एक शब्द बना, अन्नाभाव शब्द बन गया, नया शब्द भी मिला, संधि भी हुई, सब कुछ हो गया। यह अलग बात है कौन सी संधि हुई, हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि स्वर का मिलन है इसलिए स्वर संधि है, सीधी सी बात है। लेकिन एक नया शब्द हमको मिल जाता है। तो अगर अभी तक हमने क्या कहा, शाब्दिक अर्थ पर बात किया, शाब्दिक अर्थ के द्वारा हमने देखा कि दो शब्द आपस में मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यहीं से हम पारिभाषिक शब्द पर आते हैं, परिभाषा का निर्माण करते हैं। मैं रटाने की प्रक्रिया पर नहीं बल्कि समझाने की प्रक्रिया पर ज्यादा विशेष बल देता हूं, और बातें समझ में आ जाती हैं, आप स्वयं से परिभाषा बनाइए, आप मेरे परिभाषाओं पर रटने की प्रक्रिया मत करिए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज हम रखें या रटें, आपको बातें समझ पर आ जाती हैं, आप अपने तरीके से इसको लिखने का प्रयास करें और समझाने का प्रयास कर लें। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको
क्या करना है, समझाना है, लर्निंग करवाना है, यानी आपको लड़के को सिखाना है, ये सिखाने की प्रक्रिया है। वहां ये नहीं है कि बस आप उसको विद्वान विशेषज्ञ बनाना है, नहीं, उसको सिखाना है कि निर्माण कैसे हो रहा है, फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है। तो आपको सिखाना है, तो सिखाने की प्रक्रिया पर आपको, और सिखाना कैसे आएगा, प्रोसेस से आएगा, प्रक्रिया से आएगा। प्रक्रिया आप जानेंगे नहीं, अन्ना भाव आपने धन अभाव अन्ना भाव बस कर दिए, तो शिवधनालय शिवालय कर दिए, देवधनालय देवालय कह दिए, तो इससे मतलब नहीं है, ये तो आप बना लिए। लेकिन हमको किसी को बताना है, आसानी से समझाना है, मैं वह कैसे कर पाऊं। केवल एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं यहां उद्देश्य है, कि केवल एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम तो क्वालिफाई करना मेरा पहला उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य में निहित होना चाहिए कि हमको सिखाना भी, हमको समझाना, और इस तरीके से समझावे कि बच्चे को समझ में आ जाए। और आपको जब बातें समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से बच्चे को समझा ले जाएंगे, जब आपको खुद ही नहीं समझ आएगा तो आप समझा नहीं पाएंगे। तो अब हम यहां से क्या करें, परिभाषाओं का निर्माण करें, ठीक है। अब परिभाषा देख लीजिए, कैसे हम परिभाषा का निर्माण करेंगे, तो लिख सकते हैं दो शब्द, ऐसा दो शब्दों के वर्णों के मेल को, के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। पहली परिभाषा, मैंने कहा कि आप यूं ही मत बस सदियों से चली आ रही किताबों पर ही ध्यान दीजिए, बस उसी रूप में आप समझिए, उसी रूप में याद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं से निर्माण करिए। दूसरे रूप में भी क्या लिख सकते हैं, जब दो शब्दों के वर्ण, आप अन्य परिभाषा क्या दे सकते हैं, अन्य परिभाषा भी, दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब दो शब्दों के वर्ण, दो शब्दों के वर्ण मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। दूसरी परिभाषा आप ऐसा बना दीजिए, तीसरी परिभाषा आप बनाते जाइए, कितनी परिभाषा आप बनाएंगे बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलत नहीं है। सिफत यह है कि कोई परिभाषा आपकी गलत नहीं है, सारी परिभाषाएं आपकी सही हैं। तीसरी परिभाषा पर हम बात करें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलन करते हैं तो उस मिलन में विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन, तो विकार उत्पन्न होता है उस मिलन में, विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तित रूप के साथ बने हुए शब्द को हम संधि कहते हैं। आपको तीन परिभाषाएं, जैसी परिभाषाएं आप निर्माण करना चाहिए कर लें, लेकिन मूल निहितार्थ आपका होना चाहिए कि आप संधि की परिभाषा दे रहे हैं। और संधि में शब्दों का मेल नहीं होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का, शब्द के वर्णों का मेल होता है, न कि शब्दों का मेल होता है। ध्यान रखना, इसमें जो मेन पॉइंट है वह वर्ण का मेल होना चाहिए, यानी आप शब्द का वर्ण ही मेल कराइएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण
जब मेल करते हैं यानी विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है तो संधि उसे हम कहते हैं। अब ये जो मेल होगा, ये जो मिलन होगा, यह कितने रूपों में होगा, कितने रूपों में होगा? तो यह मिलन आपको तीन रूपों में होगा। कितने रूपों में होगा? तीन रूपों में होगा, तीन रूपों में मिलन कितना? तीन रूप में होगा। इसी तीन रूप को हमको समझना होता है। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा आपको देखूं। यहां पर मैंने बात किया था संधि पर, और संधि में हमने कहा था कि ये किन शब्दों से मिलकर के बना है, पहली चीज इस पर हमने कहा था, मैंने बताया। दूसरा शाब्दिक अर्थ इसका बताया, तीसरा पारिभाषिक अर्थ यानी परिभाषा मैंने बताया। अब हम किस पर बात कर रहे हैं? अब हम आपकी बात कर रहे हैं प्रकार पर। तो अगला हमारा हेडिंग क्या बन सकता है? संधि के प्रकार। अगला हेडिंग क्या होगा? संधि के प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती है, या संधि के भेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, आप इसको जो आप कह लीजिए। तो जो हमारा मिलन हो रहा है वो तीन रूपों में हो रहा है। पहला जो हमारा मेल मिलाप होगा यानी जो समझौता होगा वह स्वर के रूप में होगा। किसमें? स्वर के रूप में होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दूसरा हमारा जो मेल होगा वह व्यंजन के रूप में मेल होगा, व्यंजन के रूप में व्यंजन संधि, यानी व्यंजन के रूप में मिलन होगा तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और तीसरा हमारा जो मिलन होगा वह विसर्ग के रूप में होगा तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन्हीं तीन रूपों में पूरे का पूरा मिलन होता है यानी समझौता होता है, अर्थात विकार उत्पन्न होता है, और इन्हीं के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो नए शब्द बनाने की जो कला है वह इन्हीं तीन के माध्यम से हम करते हैं। अब ये अलग बात है कि इस स्वर में कौन कैसे हम बनेंगे, हम कैसे शब्द का निर्माण, व्यंजन में और विसर्ग में कैसे हम शब्दों का निर्माण करेंगे, इसको देखा जाएगा, एक एक करके समझा जाएगा, धीरे धीरे समझा जाएगा, लेकिन लक्ष्य की तरफ चला जाएगा। स्लो बट श्योर विंस द रेस, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब हो, यानी हम अपनी गति को कैसे आगे बढ़ाएं, यूं नहीं तेजी से बस चिल्ला करके तेजी से एकदम पलट करके पूरी पृथ्वी को, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी परिश्रम हमेशा मौनता में किया जाता है, तभी जाकर के उसकी मुखरता आपको लोगों को गुंजायमान करती है। तो यहां परिश्रम जो होगा यह मौन रूप में होगा, कोई चिल्लाने के अर्थ में नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं ऑनलाइन आपसे जुड़ा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरा का पूरा एकदम सर अपने पर पूरे ब्रह्मांड को लेकर के केवल चिल्लाएं और तभी आपको समझ में आएगी। बातें आसान तरीके से अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम आपको समझा सकते हैं, आपको व्यवहारिक उदाहरण देकर के समझा सकते हैं। यह शिक्षक की कला होनी चाहिए, चिल्लाना कला नहीं होनी चाहिए कि चिल्ला करके ही बताया जाए। तो यहां पर जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी इन तीनों से हम कैसे शब्द का निर्माण कर रहे हैं, और सारा खेल शब्द निर्माण का ही है, क्योंकि नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, और इससे जब शब्द आपके पास रहते हैं तो आपकी गंभीरता, आपकी शालीनता, आपका श्लाघा, ये सब उच्च हो जाते हैं,
और जब शब्द ही नहीं रहते हैं, शब्द शब्दों की अपनी महिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे, यानी शब्द की अपनी महिमा होनी चाहिए, अपनी गरिमा होनी चाहिए, तो उसी शब्दों से आप अपने एक संसार का निर्माण करते हैं। तो अगर ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये विसर्ग है, अब हम एक को देखेंगे कि स्वर अगर संधि है तो स्वर संधि नाम क्यों पड़ा, पहला चीज, और स्वर संधि में अगर हो रहा है तो कैसे हम ये जानेंगे कि हां ये स्वर संधि ही है। दूसरी चीज, इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि पहला यहां ये हो सकता है, पहला क्या होगा कि कोई शब्द दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वीरांगना शब्द दे दिया गया, वीरांगना शब्द दे दिया गया, अगर शब्द उद्भव दे दिया गया, उद्भव दे दिया गया, शब्द मनोकामना दे दिया गया, ठीक, ये शब्द दे दिया गया, तो पहली चीज हमको ये बताना होता है कि इसमें इसकी संधि कैसे होगी, ठीक है। पहला इसको हम कैसे हम वीर धन अंगना ही करेंगे, पहली बात, ये हम कैसे जानेंगे कि यह उत धन भव ही होगा, कैसे हम ये जानेंगे कि यह मनह धन कामना ही होगा, मनह धन कामना ही होगा। पहला क्वेश्चंस इस रूप में अगर दिया गया है तो आपको चार विकल्प दिया जाएगा और चार विकल्प में आपको पूछा जाता है किसमें कौन इसका सही संधि विच्छेद है, ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वह ऐसा भी पूछ सकता है कि वह ये दे दे कि मन धन कामना से कौन सा शब्द निर्माण होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट पूछ देगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो अगर जानकारी है तो आप बताएंगे और नहीं जानकारी है तो आप नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर आपको इस टाइप पर भी बात करना होगा, इस टाइप को समझना होगा और अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हम जो है एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं हम संधि के प्रकार में। आज मैंने बताया कि संधि कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। उस तीन प्रकार की संधि में पहली जो संधि है उसे हम कहते हैं स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, पहला संधि स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि का नाम स्वर संधि क्यों पड़ा, इसके कितने भेद होते हैं आदि के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यह बात हम कल करते हैं, आज नहीं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा जिससे अच्छा नहीं होगा। तो कल जो है हम स्वर संधि को उठाएंगे और स्वर संधि के बारे में आपसे हम बात करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि नाम ही क्यों पड़ा, या कोई अगर आता है तो कैसे हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ने की कला आपको आ गई तो
तो तोड़ने की कला अपने आप विकसित हो जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नए जोश के साथ कभी भी अगर तैयारी करिए तो गिरे हुए मन से मत करिए। कभी भी तैयारी होनी चाहिए तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा और एनर्जी के साथ होनी चाहिए। अगर है तो निश्चित तौर पर आपको वह मंजिल मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ब्रह्मांड का सबसे अच्छा सबसे विद्वान शिक्षक हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक बेहतर और अच्छा शिक्षक मिलेगा और अच्छी समझ पैदा होगी। सबसे बड़ी बात कि हल्ला नहीं होगा, आत्म प्रशंसा नहीं होगी, हालांकि कुछ मैं थोड़ा बहुत कर दिया हूं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि जो मैं आत्म प्रशंसा कर दिया हूं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आत्म प्रशंसा है तो उसको दरकिनार करिएगा और मेरे सिर्फ गुणों को लीजिएगा, उस गुण को लेकर के और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। यह आपके लिए भी अच्छा है और यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए शिक्षक बने। तो दोनों लोग मिलकर के ये प्रयास किया जाएगा कि एक अच्छा काम किया जाए और आपको जो मंजिल है उस मंजिल तक आपको पहुंचाया जाए। ठीक है, तो चलिए कल हमारी पुनः मुलाकात होती है, हम स्वर संधि पर बात करेंगे और इसी पर हम विस्तार से आपसे चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद।